Hello dear kids, welcome to English class. So children, in the today's class we are going to start the revision of our second term assignment. As we have completed the portion in our English, now it is time to do the revision for your exams. So this is your assignment paper aur aapko aapke exam ki taiyari ke liye sare exercises diye gaye hain which you have to learn and prepare for your examination. So let us start with the question 1, new words. सो न्यू वर्ड्स यहाँ पे बहुत कम है, मगर आपके क्लास वर्क में मैंने हर लेसन के अंदर बहुत सारे न्यू वर्ड्स दिए हैं. अगर आप उन सारे वर्ड्स को लर्न करते हैं आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपकी इंग्लिश की नॉलेज भी बढ़ेगी. सो इनके साथ साथ उन वर्ड्स को भी आप रिवाइज एक और बार जरूर करना. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड, नोबल, NOBLE, नोबल, NOBLE, नोबल. HUMP, हम्प, HUMP, हम्प. Penguins, 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 penguins. Treat, 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 treat. Funny, FUNNY, funny. Lucky, LUCKY, lucky. Ouch, OUCH, ouch. Agree, 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 agree. Quite, QUIET, quite, QUIET, quite. Mischief, MISCHIEF, mischief. Porridge, 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 porridge. Cottage, 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 cottage. Curly, 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 curly. Shouted, SHOUTED, shouted. GRUFF, 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 gruff. Voice, 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 voice. Lead, 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 lead. Chimney, 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 chimney. Wide, 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 wide. Straight, 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 straight. Puzzle, PUZZLE, puzzle. Erase, ERASE, erase. COURT, coat, COURT, coat. Order, ORDER, order. RUB, 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 rub. So these are the new words. Now the second exercise. Honest, HONEST, honest. Noble, honest, NOBLE, noble, HONEST, honest. Noble, honest मतलब सच्चा इंसान, जो बहुत ही सच बोलने वाला अच्छा व्यक्ति हो उसे नोबल कहा जाता है. रिमार्क, REMARK, रिमार्क, REMARK, रिमार्क. टू कॉमेंट, TOOCOMMENT, comment, to comment. Careful, CAREFUL, careful. Particular, PARTICULAR, particular. Careful, particular, किसी चीज का खास ध्यान रखना. किसी भी काम करते समय किसी चीज का ध्यान रखने को हम careful कहते हैं. Mischief, MISCHIEF, mischief. Misbehave, 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 शैतानी करना. ओके, एग्री, AGREE, एग्री. कंसेंट, CONSENT, कंसेंट, किसी चीज की सहमति देना. एवरीबॉडी, एवरी पर्सन, EVERYBODY, एवरीबॉडी, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति. EVERY, every, PERSON, person. Cottage, COTTAGE, cottage. A small house, a small house, एक छोटा सा घर.
bowl, b o w l, bowl, b o w l, bowl. A deep round dish, a deep, d double e p, deep round dish, एक गोल आकार का गहरा सा कटोरा. Porridge, p o r r i d g e, porridge, cereal boiled in water or milk. So किसी भी दाल या चावल को दूध के साथ या पानी के साथ पकाने के खाने को कहा जाता है पॉरेज, खिचड़ी. वाइड, w i d e, वाइड, टू द फुल एक्सटेंट, एकदम चौड़ा फैला हुआ. ऑर्डर, टू कमांड, c o m m a n d, कमांड, किसी को ऑर्डर देना. ओके. रब, r u b, रब, इरेज और रिमूव, मिटा देना या निकाल दिया जाना, उसको कहते हैं रब. पजल्ड, कंफ्यूज्ड, p u double z l e d, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, c o n f u s e d, कंफ्यूज्ड, समझ में ना आना. नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऑपोजिट्स, वाइज, फूलिश, वाइज मतलब बुद्धिमान, फूलिश मतलब बेवकूफ. वाइज, फूलिश. केयरफुल, केयरलेस, केयरफुल, केयरलेस. प्राउड, अशेम्ड, पी आर ओ यू डी, प्राउड, अशेम्ड, ए एस एच ए एम ई डी, अशेम्ड. क्वाइट लाउड, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट लाउड, एल ओ यू डी, लाउड. एवरीबडी, नो बडी, ई वी ई आर वाई एवरी, बी ओ डी वाई, बडी, एवरीबडी, नो बडी. एग्री, डिसएग्री, सहमति देना, डिसएग्री मतलब इंकार करना, सहमत ना होना. एग्री, डिसएग्री. दिस, दैट. वाइड, नैरो, वाइड मतलब फैला हुआ, चौड़ा, नैरो मतलब एकदम पतला. ओके. ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर मतलब किसी को हुक्म देना, रिक्वेस्ट मतलब किसी को प्लीज प्लीज कहके हमें उसको रिक्वेस्ट करते हुए बात करना. ओके. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वन मोर इज देयर. लाफ, क्राई, लाफ मतलब हंसना, क्राई मतलब रोना. सो हियर आर 10 ऑपोजिट वर्ड्स. नाउ द फोर्थ एक्सरसाइज, मेक सेंटेंसेस. नीचे दिए गए वर्ड को यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है. यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो. आपको जरूरी नहीं यही लर्न करने हैं, आप अपने आप से दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं, बट उनका एक मतलब सही होना चाहिए. वाइज मतलब बुद्धिमान. माई मदर इज अ वाइज वुमन. सो वाइज से हमने क्या सेंटेंस बनाया, माई मदर इज अ वाइज वुमन, मेरी मम्मी एक वाइज वुमन है, एक बुद्धिमान लेडी है. ओके. ट्रीट, टी आर ई ए टी, ट्रीट. माई पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड. सो ट्रीट का मतलब क्या होता है, किसी को, किसी के साथ व्यवहार करना, बिहेव करना. ओके. माई पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड, मेरे पेरेंट्स मुझे अभी भी बच्चे जैसा ही ट्रीट करते हैं. ओके. नंबर थ्री, चिंपैंजीज. चिंपैंजीज आर, सो चिल्ड्रन हमने यहाँ पे चिंपैंजीज प्लूरल में लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे ए आर ई आर का यूज करेंगे. चिंपैंजीज आर वाइज एनिमल, सो प्लूरल है इसलिए हम ए को भी निकाल देंगे. चिंपैंजीज प्लूरल फॉर्म है, सो ए आर ई आर यहाँ पे यूज होगा. चिंपैंजीज आर वाइज एनिमल, चिंपैंजीज बहुत बुद्धिमान एनिमल होते हैं. ओके. स्क्रैच, टॉम क्रैकड लाफिंग. सो हियर अगेन देर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सी आर ए सी के ई डी, सो यहाँ पे एच नहीं के आएगा. क्रैकड, सी आर ए सी के ई डी, सो स्पेलिंग मिस्टेक है, आप भी करेक्शन करिए. क्रैकड अप लाफिंग ऑन सैम्स जोक. क्रैकड अप मतलब अचानक से जोर जोर से हंस पड़ना, अचानक से ही. सो टॉम यहाँ पे लड़का है जिसने सैम के जोक पर अचानक हंसना शुरू कर दिया. ओके. Tom cracked up laughing on Sam's joke. Agree, A G R double E, agree. We agreed to the teacher's instructions. Agreed, यहाँ पे हमने agree का past tense form agreed use किया है, इसका मतलब है हमने teacher की instructions पे सहमति दी. Okay, teacher ने कुछ आदेश दिए जिनको हमने मान लिया, ऐसा इसका मतलब है. Break, the teacher asked us to take a break.
ब्रेक मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा किसी चीज से आराम लेना, बीच में किसी काम के हमें ब्रेक लेना। सो टीचर ने हमें ब्रेक लेने के लिए कहा। मिस्चीफ, द चिल्ड्रन आर डूइंग मिस्चीफ इन द क्लास, बच्चे क्लास में मिस्चीफ कर रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं। नंबर 8, नोबडी शुड टीज द एनिमल्स, सो किसी को भी एनिमल्स को नहीं चिढ़ाना चाहिए। नोबडी मतलब कोई भी ऐसा नहीं करेगा। पॉरेज, आई लाइक टू ईट पॉरेज, मुझे पॉरेज खाना अच्छा लगता है। नंबर 10, बाउल, अ बाउल इज यूज फॉर कीपिंग फूड, सो बाउल का प्रयोग हम खाना रखने में करते हैं, ऐसा यहां बोला गया है। नंबर 11 इज चिमनी, वी हैव पुट अ न्यू चिमनी इन अवर किचन, हमने किचन में नया चिमनी लगाया है। नंबर 12, लीड, LEAD, लीड, लीड मतलब पहुंचाना या पहुंचना। दिस रोड लीड्स टूवर्ड्स द टेम्पल, यह रोड मंदिर की ओर जाती है। ओके, सो लीड मतलब वह रोड उस दिशा में जाती है। पजल, आई गॉट पजल्ड आफ्टर सीइंग अ क्वेश्चन पेपर, सो क्वेश्चन पेपर देख के मैं एकदम पजल हो गया, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। ओके, सो चिल्ड्रन टुडे वी हैव कंप्लीटेड 4 एक्सरसाइजेस इन द रिवीजन, दिस इज इनफ। आप इन 4 एक्सरसाइज को अच्छे से समझ के इनकी रिवीजन करिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द 5th एक्सरसाइज। ओके, सो टिल दैट टाइम प्रैक्टिस वेल, बाय बाय।